चलो कटाकट बनाते हैं हम, ठीक है। अभी ब्रेक में तुम लोग मुझे कह रहे थे कि तुम लोगों को भी कटाकट बनवाना है। मैं आपसे ये कहने वाला था कि मैं किसी का कटाकट बनाना चाहता हूँ। मुझे भी बनवाना है। मैं आपको अभी नंबर दूंगा, तुम्हें भी बनवाना है तो तुम दोनों एक दूसरे के कटाकट बना दो भाई। किसका कटाकट? एक्चुअली मेरा सीन ये है कि माहीन मुझसे नाराज है। माहीन कौन है? माहीन बस बहुत करीबी उससे मेरा रابطہ है, लेकिन वो मुझसे बहुत नाराज है। वजह क्या है नाराजगी की? नाराजगी की वजह ये कि वो मानती नहीं है, मैं उसको मनाता रहता हूँ। किस बात पे नहीं मानती? वो बोलती है तुम हजार लड़कियों के पीछे लगे रहते हो, तुम मुझसे बात नहीं करते। तो तुम ऐसा करते हो? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, मैं तो बहुत लॉयल हूँ। मतलब रात को 3 बजे भी उसके घर के नीचे खड़ा होता हूँ, क्यों नाराज हूँ मुझसे बात कर लो। वो बोलती है मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अच्छा, लेकिन मुझे इसने कहा कि ये मनाएगा। मैं बात क्यों ना करूँ? ये मनाएगा इसने कहा। हाँ मैं मनाऊंगा। तुम मना लोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये अच्छा, ये मना ना ले मुझे लग रहा है भाई। भाई मैं उससे प्यार करता हूँ, देखो ऐसा नहीं करता। अरे मैं मनाओगे तुम भाई? यार कोई तुम इतने सिल्की क्यों हो गए अचानक? मैं उसके बिना नहीं रह सकता ना, जब भी उसकी बात आती है। लबे शीरी सा लग रही है मुझे, लबे शीरी सा लग रही है ये अचानक से ना मुझे बहुत सिल्की टोन ही चेंज हो गया। हाँ टोन ही चेंज हो गया उसका, बहुत लबे शीरी लग रही है। लेकिन खैर नंबर चले, माहीन का नंबर यही है जो आपने लिखवाया है? जी बिल्कुल यही। तुम क्या बात करोगे बता दो। मैं स्टार्ट करूँगा, पहले मैं बोलूँगा मैं हाय आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ फरदीन के रिलेटेड। चलो हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप माहीन बात कर रही हैं? जी क्यों? जी मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ फरदीन के रिलेटेड। हेलो। नहीं नहीं मुझे नहीं बात करनी। नहीं आप पहले मेरी बात तो सुन ले। मैंने आपको आज ही देखा था, आप किसी सेंटर में चली गई थी, आपका एग्जाम भी था, आपका एग्जाम भी अच्छा नहीं हुआ। बाबा ने बताया होगा सब कुछ, बाबा ने बताया है, मुझे पता है कौन बात है इधर उधर मचाते हैं। नहीं आप पहले बताया, मुझे जानती है, मैं फरदीन के साथ वहाँ बोल शो में होता हूँ, उसामा खुश रहो पाकिस्तान से। मैं नहीं देखती। नहीं अच्छा, वो चपेड़ बॉय वाला तो आपको पता होगा, मीम्स देखी थी ना आपने? कौन सी मीम? यार वो जो जिस लड़के को चमाट पड़ी थी बहुत सारी। देखिए हाँ मैं वही उसामा बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा जी, तो अब पहचान गए आप मुझे, अब मुझसे बात कर सकती हैं आप? नहीं फरदीन के रिलेटेड मैं किसी से बात नहीं कर रहा। मैं फरदीन की बात ही नहीं कर रहा आपसे, मैं तो आपसे अपने बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने आज आपको देखा था, तो मैंने बेसिकली जो मैं कहना चाहता हूँ, मैंने फरदीन के फोन से आपका नंबर लिया था। अच्छा तो मुझे मतलब आई रियली लाइक यू, और मैंने देखा था आपका एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो मैं आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता हूँ अगर आप मुझसे बात करें। और मतलब मैं 2 थप्पड़ रख के मारूंगी ना ऐसे? नहीं नहीं मतलब निकलेंगी तुम्हारे अंदर की सारी बकवास। थप्पड़ तो मुझे उस दिन पड़ गई ना। मुझे पता है तुम क्यों कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो ये सब बातें, तो बेहतर है अपनी औकात में रहो। यार मैं आपको लाइक करो, कहीं और जाके ये मुंह मारिया फालतू की। यार मैं आपकी हेलो कॉल करती, दोबारा कॉल करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, पीछे पड़ जाओ उसके। ये कॉल नहीं कर उठा।